Hi friends, this is Richa Giri. इस वीडियो में हम कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन पार्ट टू देखेंगे, जिसे हम हिंदी में सतत तथा व्यापक मूल्यांकन कहते हैं. और इसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि CCE में दो टाइप के टेस्ट कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं. तो फ्रेंड्स, मेरा ये सजेशन है कि प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले आप असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग वाली वीडियो देखिएगा, जिससे आपको ये वीडियो ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगी. और प्लीज़ वीडियो देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. अनलाइक CBSE ओल्ड पैटर्न ऑफ ओनली वन टेस्ट एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर, द CCE कंडक्ट सेवरल. तो जैसा कि मैंने पहले बताया, जो CBSE है वो ओल्ड पैटर्न में केवल एक टेस्ट लिया जाता था, एक एंड ऑफ द सेशन एनुअल एग्ज़ाम होता था और उस एग्ज़ाम में पूरा सिलेबस कवर किया जाता था. उसी एग्ज़ाम के बेसिस पे मार्क्स मिलते थे, रैंकिंग की जाती थी, स्टूडेंट्स को नेक्स्ट लेवल तक भेजा जाता था कि वन क्लास में है तो टू में जाएगा, टू में है तो थ्री में जाएगा, एट्सेट्रा. लेकिन जो CCE है उसके अकॉर्डिंग टू टाइप के टेस्ट कंडक्ट किया है CBSE ने. एक तो फॉर्मेटिव टेस्ट कहते हैं और दूसरा सबमेटिव टेस्ट कहते हैं. तो हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट पढ़ा है और सबमेटिव असेसमेंट भी पढ़ा है. तो उसी से रिलेटेड ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है, फॉर्मेटिव है और सबमेटिव टेस्ट है. तो फॉर्मेटिव देखते हैं ये CCE में इसका क्या रोल है. फॉर्मेटिव ये फोर टाइम्स होते हैं, तो एक ईयर में ये चार बार होते हैं एंड विल कॉम्प्रोमाइज द स्टूडेंट्स वर्क एट क्लास एंड होम, द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन ओरल टेस्ट at least one and then rest written and quizzes and projects or assignments quality submitted by the child. तो जैसा कि हमने formative assessment पढ़ा था कि learning assessment for learning, तो ये वही चीज़ है. ये जो है four times in a year हो रहा है और यहाँ पर students के work को देखा जा रहा है, केवल क्लास वर्क को नहीं बल्कि होमवर्क को भी. और स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को देखने के लिए ओरल टेस्ट लिए जाते हैं. अगर किसी स्कूल में ओरल टेस्ट नहीं लिए जाते हैं तो उसके बदले रिटन टेस्ट भी लिया जा सकता है, लेकिन एक ओरल लेना अनिवार्य है. और क्विज करवाए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स के बेसिस पे ये असेसमेंट होता है और चाइल्ड की क्वालिटी को मापा जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है कि चाइल्ड का क्या परफॉर्मेंस रहा है, किस में क्या उसको ज़रूरत है और अच्छा करने की, कौन कौन से एरियाज़ में वो वीक है, कौन कौन से एरियाज़ में वो स्ट्रांग है. तो ये सब ये फॉर्मेटिव असेसमेंट बताता है, सेम एज़ जैसा कि हमने डिस्कस किया था असेसमेंट फॉर लर्निंग में और फॉर्मेटिव असेसमेंट में, ये वही चीज़ है. इसका जो है वो 40% वेटेज होता है. जैसे एक स्टूडेंट है, अगर उसका पूरा एक साल जैसे स्टैंडर्ड 8th में है तो 40% उसका मार्क्स फॉर्मेटिव असेसमेंट के बेस पे आएगा. और ये फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, होमवर्क, क्लास वर्क एट्सेट्रा, ओरल टेस्ट, क्विजेज एट्सेट्रा. और रेस्ट 60% देखते हैं कहाँ से आएगा. एक दूसरे टाइप का जो टेस्ट है वो सबमेटिव टेस्ट है, जो कि एक ईयर में दो बार होता है. सबमेटिव टेस्ट वो सेम चीज़ होती है जैसे सबमेटिव असेसमेंट जो हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, और जब हमने पढ़ा था असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग. तो ये जो सबमेटिव है वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, मतलब एंड ऑफ द सेशन या एंड ऑफ द यूनिट होता है. ये दो बार होता है साल में. 3 hour लॉन्ग रिटन टेस्ट, 2 times पर ईयर, 3 घंटे का एक रिटन टेस्ट होता है जो दो बार होता है. ईच कैरीज 30% वेटेज एंड बोथ विल कैरी 60% वेटेज फॉर द एग्रीगेट. तो हमने जो देखा था ये पिछले स्लाइड में कि फॉर्मेटिव जो था असेसमेंट वो 40% वेटेज कैरी कर रहा था, तो बाकी 60% कहाँ से आ रहे हैं, तो यहाँ से आ रहे हैं, 30% एक टेस्ट पे और 30% नेक्स्ट टेस्ट पे. सबमेटिव असेसमेंट विल बी कंडक्टेड बाय द स्कूल सेल्फ. जो सबमेटिव असेसमेंट है वो स्कूल द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है. क्वेश्चन पेपर विल बी पार्शियली प्रिपेयर्ड बाय द CBSE एंड इवेल्युएशन ऑफ द आंसर शीट इज ऑल्सो स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड बाय द CBSE. जो क्वेश्चन पेपर है वो CBSE के द्वारा बनाए जाते हैं पार्शियली,
मतलब कुछ पॉइंट्स उसके सीबीएसई के द्वारा बनाए जाते हैं और कुछ पॉइंट्स जो है स्कूल बनाता है, और जो इवेल्युएशन किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है आंसर शीट का, वो सीबीएसई उसका मॉनिटर करती है बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में. आगे देखते हैं, सिलेबस ऑफ वन सबमिटिव विल नॉट बी रिपीटेड इन द नेक्स्ट. अ स्टूडेंट विल हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन टोटली न्यू टॉपिक्स फॉर द नेक्स्ट सबमिटिव. तो जैसा कि हमने सीसी के बारे में डिस्क्रिप्शन में पढ़ा कि इसमें जो टेस्ट होते हैं, अगर एक टेस्ट में कोई सिलेबस कवर होता है तो वो दूसरे टेस्ट में नहीं आता है. तो वही बात कही जा रही है कि एक सबमिटिव टेस्ट में अगर एक पर्टिकुलर सिलेबस कवर होगा तो दूसरे सबमिटिव टेस्ट में दूसरा सिलेबस कवर होगा. जैसे अगर हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ एज अ सबमिटिव टेस्ट, तो उस हाफ ईयरली एग्ज़ाम में शुरू से लेकर हाफ तक सिलेबस कवर होंगे, और जो लास्ट वाला एनुअल एग्ज़ाम हुआ उसमें जो बीच से सिलेबस स्टार्ट होगा हाफ ईयरली के बाद से और एंड तक वो होगा, तो हाफ हाफ में डिवाइड हो जा रहे हैं. और जो लास्ट वाला एग्ज़ाम है वो उसमें पहले वाला सिलेबस नहीं आएगा, तो इससे स्टूडेंट के दिमाग से प्रेशर कम हो रहा है. आगे हम देखते हैं, CBSE प्रोसेस द रिजल्ट एट ईयर एंड बाय एडिंग द फॉर्मेटिव स्कोर टू द सबमिटिव स्कोर, दैट इज 40% प्लस 60% इज इक्वल टू 100%. Depending upon the percentage obtained, the board will deduce the CGPA, cumulative, grade point average, and thereby deduce the grade obtained. तो यहाँ क्या हो रहा है, जो CBSE है वो स्कोरिंग किस आधार पर कर रही है, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का 40% ले रही है वेटेज और सबमिटिव का 60% ले रही है, इसके बेसिस पे स्कोरिंग हो रही है, और इस स्कोर को cumulative ग्रेड पॉइंट एवरेज पे कन्वर्ट कर दिया जाता है और ग्रेड उससे निकाले जाते हैं, स्टूडेंट्स को ग्रेडिंग दी जाती है, ए ए प्लस बी बी प्लस सी एट्सेट्रा. CBSE बोर्ड विल ऑफर एन ऑप्शनल ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट दैट मे ऑल्सो बी यूज एज अ टूल अलॉन्ग विद द ग्रेड्स ऑप्टेंड इन द CCE टू हेल्प स्टूडेंट टू डिसाइड द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स इन फर्दर स्टडी. जो CBSE बोर्ड है वो एक ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट भी करवाती है, लेकिन जो ये टेस्ट है ये ऑप्शनल होता है, कुछ स्टूडेंट अगर चाहें तो नहीं भी दे सकते हैं. और ये किस लिए होता है, ये इसलिए होता है ताकि स्टूडेंट ये डिसाइड करने में उनको प्रॉब्लम ना आए कि उन्हें कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है. जैसे टेंथ क्लास में, टेंथ क्लास में उन्हें ग्रेडिंग मिल गई, उनके करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर ये सब के हिसाब से उन्हें ग्रेड दिया गया. इसके अलावा वो अगर ये देना चाहें ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट ताकि वो ये डिसाइड कर पाएँ कि उन्हें 11th क्लास में कौन सा स्ट्रीम लेना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, आर्ट्स साइंस या कॉमर्स या कोई भी सब्जेक्ट, तो इस बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं. बट ये ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो ऑप्शनल है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट इसे ले, कुछ स्टूडेंट नहीं भी लेते हैं. स्कूल्स प्रिपेयर द रिपोर्ट कार्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ बोर्ड दैट इज साइंड बाय द प्रिंसिपल एंड द स्टूडेंट. जो स्कूल है वो स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड बनाता है, रिजल्ट बनाता है, और बोर्ड के सुपरविजन में या बोर्ड के गाइडेंस में बनाता है, CBSE बोर्ड के गाइडेंस में बनाता है. वो रिपोर्ट कार्ड पे प्रिंसिपल का सिग्नेचर होता है और स्टूडेंट का सिग्नेचर होता है जिसका रिपोर्ट कार्ड है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो.